इस बार बैट्समैन नेम प्लीज। मोहन सिंह और मोहन सिंह बैटिंग के लिए। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज पहली ही गेंद पे टॉप गियर पे बैटिंग करने के लिए मोहन सिंह जाने जाते हैं, राजस्थान के एक राजसमंद जिले से मात्र ये इस खिलाड़ी को हम पहचानते हैं। दो रन यहाँ पर मिलेंगे पहली गेंद पे। गेंदबाज का नाम विष्णु, विष्णु रहेगा गेंदबाजी पे। विष्णु पहली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पे बाहर की गेंद, यहाँ पर व्हाइट बॉल घोषित की एम्पायर ने। व्हाइट बॉल के जरिए यहाँ पर देखे जाएंगे तो तीन रन स्कोर कार्ड पे रहेंगे। इस बार ओवर पिच गेंद थी, वहां पर पॉइंट को गेंद खेली गई, वहां पर एक दो तीसरे रन का प्रयास देखना चाहेंगे, वहां पर रनआउट की संभावना थी, पर अच्छी रनिंग भी बिन द विकेट मानी जाएगी। छह रन स्कोर कार्ड पे। छह रन स्कोर कार्ड के स्कोर कार्ड पे लगते हुए एक अच्छी शुरुआत अपने टीम के लिए देखे जाएगी। फिर से एक बार विष्णु गेंदबाजी के लिए। विष्णु का ये गेंद फुल टॉस थी, अंकित को बड़ा हुक करने के प्रयास नहीं हुआ, अंकित को अच्छे बोनस था, अच्छा मौका था इस गेंद पे बड़ा हुक करने का, बड़ा फटका खेलने का। यहाँ पर देखेंगे तो अंकित ने एक सिंगल निकाल के दिया है। अभी मोहन मोहन स्ट्राइकिंग गेंद पर रहेंगे। इस बार मोहन बड़ा फटका खेलने, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, वहाँ पर डॉट बॉल रहेगा। बड़ा हिट करने का प्रयास पर वहाँ पर रहेगा डॉट बॉल। अभी तक देखे जाए तो चार गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है मैदान के अंदर। इस बार बड़ा हिट लॉन्ग ऑफ के मोहन की बैट से निकलता हुआ ये धमाकेदार गेंद जाता हुआ सीमा रेखा पार चौका। हेलो पांच गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 11 रन स्कोर कार्ड पे टोटल टेज मैच अपने हम लोग को देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे तो एक अच्छा मैच यहाँ पर दिखाई देगा। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर मिलेगा एक सिंगल से स्कोर बढ़ता हुआ। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर 12 रन स्कोर कार्ड पहली ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन रह गए। नेक्स्ट मैच क्षत्रिय कुमावत और जय भवानी थाने, इन दोनों टीम के बीच में खेला जाएगा। व्हाइट बॉल रहेगी गेंदबाजी के लिए। पंकज आ रहे हैं, पंकज खुद का पहला, टीम का दूसरा।
पंकज रहेगी गेंदबाजी के लिए और एक गेंद व्हाइट की जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर कार्ड पे। और मोहन जो एक बेहतरीन बड़े बल्लेबाज रहे हैं, करदंकार रहे हैं गेंदबाजों के। यहाँ पर गेंद झट से ऊपर आती हुई और अपने वहां पर पेट पे लगती हुई मोहन के वहां पर देखा जाए तो जहां पर एक भी रन नहीं था वहां पर दो रन। पंचा बैट कटेगा लेग बाइज के जरिए यहां पर दो रन दौड़ के पूरे कर गए। वहां पर 16 रन स्कोर कार्ड पे रहेंगे। यहाँ पर देखना चाहेंगे फिर से एक बार पंकज जो लेफ्ट हैंडेड गोलंदाज है। यहाँ पर बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी का नजारा अपने को देखते दो गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। अभी तक चार गेंद आने बाकी है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑन साइड पे बैट के स्लॉट में और मोहन की बैट से निकलता हुआ और एक बड़ा हिट गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार चौका। चौके की मदद से यहाँ पर इस बार फिर एक बार वाइट बॉल अतिरिक्त इनलीगल डिलीवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय नियम क्रमांक 22 का उल्लंघन करते हुए अंपायर्स यहाँ पर वाइट बॉल 21 रन स्कोर कार्ड पे लगते हुए तीन गेंदों का अभी तक समाप्ति हो चुकी है। इस बार खिलाड़ी कोई नहीं है, गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से और एक गेंद सीमा रेखा पार चौका। 25 रन स्कोर कार्ड पे 25 रन स्कोर कार्ड पे दिखाई देंगे। यहाँ पर सभी पूरे मुंबई से खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है और आठ टीम हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद फिर से एक बार इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास। इस बार फिर से एक बार व्हाइट बॉल दिखाई देगा व्हाइट के जरिए। ये बहुत बड़ा ओवर हम दिखाई देगा बहुत बहुत बड़ा ओवर यहाँ पर दिखाई देगा। 26 रन स्कोर कार्ड पे नो लॉस 26 रन यहाँ पर रहेंगे। इस बार बड़ा हिट और स्क्वायर लेग की दिशा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है अच्छा फील्डिंग वहां पर एक सिंगल से स्ट्राइक रोटेट होता हुआ 27 स्कोर कार्ड पे दिखाई देगा। और पांच गेंदों की समाप्ति होती हुई और फिर से एक बार पंकज गेंदबाजी के लिए यहाँ पर बिग हिट करने का प्रयास। यहाँ पर फिर से एक बार व्हाइट बॉल अंपायर डिसीजन ऑन फाइनल। अभी तक 10 गेंदे मैदान के अंदर पंकज ने किए। बहुत बड़ा ओवर यहाँ पर दिखाई देगा। SMD स्पोर्ट्स के जरिए ये टूर्नामेंट लाइव की जा रही है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करूंगा। इस बार अच्छी गेंद फिर भी एक 11वीं गेंद मैदान के अंदर अपने हम लोग को देखने को मिल रही है। 29 रन ऑन स्कोर कार्ड 29 रन इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास। इस बार डॉट बॉल दिखाई दे रहा है। इस ओवर में 12 बॉल 2 ओवर इसी गेंदबाज ने डाले हैं। हम देखना चाहेंगे बहुत अतिरिक्त गेंद मैदान के अंदर देखी गई। इसके बाद होने वाले मैच में आपके क्षत्रिय कुमावत और जय भवानी ठाणे
आप यहाँ पर आके रुकिए, इनिंग ब्रेक में आपके टॉस की मैच के टॉस हो जाएगा। क्षत्रिय कुमावत जय भवानी ठाणे। नेक्स्ट बॉलर गेंदबाज का नाम यहाँ पर बताएगा। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम प्लीज। गोपाल, गोपाल रहेंगे गेंदबाजी के लिए। चलो अंपायर्स बहुत देर हो रही है। 29 रन टू ऑन स्कोर कार्ड, 29 रन स्कोर कार्ड पे। गोपाल गेंदबाजी के लिए, इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास। डॉट बॉल रहेगा यहाँ पे, निर्धाव डॉट स्कोर कार्ड पे 29 रन्स रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी है, पर वहां पर आपको स्कोर बनाना पड़ेगा। बड़े हिट, बड़े बड़े छक्के, बड़े बड़े चौके आपको मैदान के अंदर लगाने पड़ेंगे। मोहन के बैट को बॉल स्पर्श भी नहीं कर रहा है, देखा जाए तो डॉट बॉल बार बार दिखाई दे रहा है। मोहन रहेंगे स्ट्राइकिंग गेंद पे, मोहन पे विश्वास, मोहन पे बहुत जरा जवाबदारी। इस बार बैट का कट और गेंद सीधा शॉट लॉन्गन पे, शॉट लॉक पे जाती हुई, चार रनों के लिए चौका। 33 धावा धावल का बरा पहला मिळते। 33 रन्स टू ऑन स्कोर कार्ड, 33 रन स्कोर कार्ड पे दिखाई देखे। शांत, बहुत ही अच्छा क्रिकेट का वातावरण यहाँ पर। मोहन को जाना पड़ेगा पाइपलाइन की तरफ, एक चौका आया उसके बाद मोहन को जाना पड़ेगा पाइपलाइन की तरफ। उसकी जगह कौन बैट्समैन आएगा ये हम लोग देखेंगे। पहली मैच में अंकित का बैटिंग का अच्छा प्रदर्शन दिखाई दिया था, पर इस मैच में देखेंगे तो मोहन के, अंकित के बैट को बॉल स्पर्श नहीं हो रही है। विक्रम बैटिंग के लिए, न्यू बैटर बैटिंग के लिए दिख रहे हैं हम। चार गेंदों का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। फिर से एक बार गोपाल, इस बार बड़ा हुआ आउट करने का प्रयास। यहाँ पर एक सिंगल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट किया। 34 रन टू ऑन स्कोर कार्ड, 34 रन रहेंगे यहाँ पर। देखना चाहेंगे हम अंकित के बैट से कितने छक्के लगेंगे, कितने चौके लगेंगे। अंकित ने पहले मैच में बेहतरीन बड़ी बल्लेबाजी करके अपने टीम को विजय दिलाई थी, पर इस मैच में क्या होगा। इस बार बड़ा हिट किया है अंकित ने, कहते ही अंकित ने बड़ा हिट लगाया था, पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और अंकित के विकेट का पतन और एक खिलाड़ी जाता हुआ मैदान के बाहर। अंकित बैक टू द पेवलियन। देवेंद्र,
बॉलर नेम प्लीज, बॉलर का नाम यहाँ पर पता बताइएगा, बॉलर नेम अनिल, संगीत ललित, ललित रहेगा गेंदबाज का नाम। बैटिंग के लिए बैट्समैन, न्यू बैट्समैन है विक्रम। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास और गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई, चार रनों के लिए चौका। स्ट्राइक पे विक्रम रहेगा, विक्रम के बैट से चौका आता हुआ, एक बेहतरीन बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर। इस बार बड़ा हुक करने का प्रयास, इस बार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर दिखती हुई। डॉट बॉल रहेगा, टीम के कैप्टन है, कप्तान है, और कप्तान की गेंदबाजी अति बहुत ही बढ़िया। इस बार बड़ा हुक किया है, उस डीप पॉइंट को खिलाड़ी बहुत दूर से आ रहे हैं, वहां पर मिलेगा एक चौका और एक चौका। 42 रन्स, 2 लॉस। थैंक यू डीजे। इस बार बड़ा हुक किया है बैट्समैन विक्रम के बैट से, गेंद फिर से एक बार बेहतरीन शॉट, चार रन इसी के साथ। ख्याल रखिएगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास। दो रन से स्कोर बढ़ता हुआ, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुआ है और 51 रन का टारगेट रहेगा, 51 रन्स टू इन। कुमावत और उसके उपेक्ष विपक्ष टीम, जय भवानी ठाणे कैप्टन। चलो जल्दी से जल्दी कैप्टन, दोनों कैप्टन आ गए क्या, दोनों कैप्टन है।
फील्डिंग लिया है। क्षत्रिय कुमावत 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग लिया है और थाना की बैटिंग है। चलो कैमरामैन फोकस, महाराणा दिवा फील्डिंग लगा लीजिए प्लीज। बहुत देर हो रही है, बार बार विनती की जा रही है आपको, प्लीज 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 प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। क्षत्रिय कुमावत 11 ने टॉस जीता है और टॉस जीत के फील्डिंग लिया है, बार बार आपको विनती की करनी पड़ रही है प्लीज। कुमावत टीम के कप्तान यहाँ मौजूद है और अरे बोल रखो हर, आपने टॉस जीता है और फील्डिंग का निर्णय लिया है, क्या टारगेट आप चाहेंगे, चेज करना चाहेंगे? अभी कैसा है कि मतलब 60 के लगभग ऐसा बोलो तो, चार ओवर में 60 रन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कैसे बनाएंगे आप फील्डिंग? थाना 11 की बैटिंग है, इनके कैप्टन मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या टारगेट देना चाहेंगे आप कुमावत 11 को? चार ओवर में 60 रन के करीब देना चाहेंगे और बहुत ही मस्त बैटिंग करके दिखाएंगे इस बार। पिछली बार बहुत ही दुख हुआ कि हमारी ना फील्डिंग हुई ना बैटिंग हुई, उसी तरह से इस बार फुल जोश के साथ में मैं एक तरफा जीत के बताएगा, ये विक्रम सिंह कहता है। यहाँ तो 5 ओवर में भी 60 रन नहीं बने, आप 4 ओवर में कैसे 60 रन बनाए? मैं मॉर्निंग से मैच देख रहा हूँ, एक ही मैच में खाली 60 ओवर बने, आप 4 ओवर में कैसे बना पाएंगे? लेकिन इस बार मैं उसी तरह से खेलूंगा जिस तरह से पहले खेलता आया हूँ और बहुत ही शानदार मेरी बैटिंग करके दिखाऊंगा आपको कि 60 रन कैसे बनता है, वो करके दिखाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों टीम के कैप्टन को, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जा रहे हैं मैच के अंदर, वहाँ पे ग्राउंड पे मैच चल रहा है, श्री चिर भुजिया 11 नेहरुल और उनके सामने रहेंगे महाराणा दिवा, दो बलाढ्य टीम्स, हाई वोल्टेज मैच अपने को देखने को मिलेगी यहाँ पर। गेंदबाज का नाम सुले चुनीलाल जी, कुमावत डोंबिवली कल्याण के जो हमारे प्रतिनिधि है, उनका भी इस प्रतियोगिता के जरिए हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपको विनती है आप व्यासपीठ पे विराजमान हो जाइए, इस टूर्नामेंट के जरिए आप भी यहाँ पर आ गए, हमको बहुत बहुत खुशी हो गई, आप यहाँ पर बैठ जाइए, थैंक यू। एक सिंगल यहाँ पर विक्रम की अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर दिखती हुई, विक्रम रहेगे गेंदबाजी पे यहाँ बोल्ड इसी के साथ, क्या बॉल किया है इसी के साथ बोल्ड, स्टंप सीधा नीचे जमीन पर गिरा, पहला विकेट का पतन। बैट्समैन नेम रोहित शर्मा नाखुश है, उनको मुंबई इंडियंस से कैप्टन का निकाल दिया है, इसीलिए सब लोग अनफॉलो कर रहे हैं मुंबई इंडियंस को। बैट्समैन नेम विक्रम उर्फ विक्सा, हर एक टीम में लगता है दो या तीन तो विक्रम है ही है, विक्रम और मोहन। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट राजस्थान प्रीमियर लीग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए 8 टीम में एक टीम में दो दो विक्रम है, तो राजस्थान में कितने विक्रम होंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। कम से कम 40% तो विक्रम है ही है राजस्थान में, 40% हर कास्ट के अंदर विक्रम है, हर गांव में कम से कम 20 के ऊपर विक्रम है। विक्रम नाम ही फेमस है और विक्रम का मतलब होता है जीत, विजेता, बहुत ही अच्छा नाम है विक्रम उर्फ विक्सा। बहुत ही अच्छा मैच, धीरे धीरे जैसे ही
सूर्य आपने ओ बहुत ही अच्छी बॉलिंग मिस किया। थाना वॉरियर्स की टीम इधर आ जाए पूरी स्टेज के सामने। थाने इलेवंस बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे मैदान के चारों तरफ आ रही हैं, गर्मी बढ़ रही है। बहुत ही अच्छा मैदान है, चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, लंबी लंबी बिल्डिंगें, और इधर लाइव टेलीकास्ट के लिए अंदर टीवी लगा है, मस्त बॉक्स बना हुआ है, एसी लगा है, व्यवस्था बहुत ही अच्छी है मैदान की। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, पधारे हुए सभी मेहमानगणों और खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बॉल, और ये कुछ नया करना चाहते थे, मिस किया, और बाइक का एक रन मिलेगा। जो अपना नेचुरल खेले वही खेले बैट्समैन तो अच्छा रहेगा, अलग करने का प्रयास ना करे, क्योंकि चार ओवर है, मात्र चार ओवर, ओनली 24 बॉल में आपको 40-50 रन बनाने की इच्छा रखनी चाहिए। अगली बॉल, इसी के साथ भाग के एक रन लिया। चार ओवर, कम से कम 40 रन तो टारगेट मिनिमम होना चाहिए, तभी आप कुछ प्रयास कर सकते हैं जीतने के लिए। अगली बॉल, इसी के साथ घुमाया है बेहतरीन शॉट, और तारे दिखते हुए, और खिलाड़ी दर्शक हो गया, और नॉट आउट, एम्पायर का इशारा नॉट आउट। सूर्य की किरणें आंखों पर आती है तो बॉल नहीं दिखती है, फिर भी प्रयास करना चाहिए खिलाड़ी को। अगली बॉल, इसी के साथ बेहतरीन शॉट, ग्राउंड शॉट मार रहे, लंबे लंबे हिट नहीं लगा रहे, ग्राउंड शॉट मारेंगे तो इक्का तुक्का रन होएगा, उससे स्कोर ज्यादा गति नहीं पकड़ेगा। चार ओवर में कम से कम 40 रन होना चाहिए। अगली बॉल, और ये पुलटोस बॉल था, एम्पायर का कोई इशारा नहीं है, बॉल चार रन, सीमा रेखा के बाहर। साढ़े बारह रन चाहिए एक ओवर में। अगली बॉल, इसी के साथ ये मिस किया, बेहतरीन बॉलिंग, इसी के साथ ओवर समाप्त। दो ओवर सिर्फ 12 रन। बारह बॉल में 39 रन, 6 सिक्स मारेंगे तो ही मैच जीत पाएंगे आप। युवराज सिंह और स्टुअर्ट ब्रॉड, कुछ कारनामा करना होगा जीतने के लिए, नहीं तो फिर एक टीम सेमीफाइनल का रास्ता तय करेगी। इसी के साथ विकेट कीपर ने मिस किया है, दो फील्डर भाग रहे हैं, अच्छी फील्डिंग और एक रन, दो रन। बॉलर नेम जाने दो, अभी बॉलर नेम क्या है, बॉलर नेम लक्षित मलिंगा। अगली बॉल, इसी के साथ बेहतरीन बॉलिंग, ये फील्डर गिरते हुए, जीत उनको आंखों के सामने दिख रही है, इसीलिए मिसफील्ड हो रही है बार बार। एक मिनट, बॉलर का नाम याद पर बताइएगा। जोधराज सिंह, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, क्या शॉट मारा है। इसी के साथ
नहीं, दो रन, दूसरा रन ले रहे हैं, 71 रन से कुछ नहीं होगा, टारगेट बहुत बड़ा है, 51 रन विन है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, महज औपचारिकता है बाकी है इस मैच की। अगली बॉल इसी के साथ क्यों आया है शॉट, तेज तरार शॉट मगर फील्डर खड़ा है और एक रन। बेहतरीन बॉलिंग, सुबह से आज बॉलिंग ही बहुत ही बेहतरीन हुई है, बैटिंग का इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ गिरी सी एक प्लेयर है जिसने बैटिंग अच्छी की है, बाकी कोई लंबे लंबे हिट देखने को मिले नहीं है। बैटिंग टीम वाले अगर इनाम की घोषणा करेंगे तो लंबे लंबे हिट भी मारेंगे बैट्समैन, देखते हैं। इसी के साथ ग्राउंड शॉट, ग्राउंड शॉट एक रन। अरे लंबा लंबा सक्का मारो, थोड़ा मैच देखा जाना ना, उत्साह है। बॉल तो सीधी बाउंड्री बारी नहीं जा रही है अब तक। अरे वीरेंद्र सहवाग ने, सचिन तेंदुलकर ने, रोहित शर्मा ने, युवराज सिंह ने हैंग मैच देखे रही है कई माँ से, एक ही बॉल मोर स्टैंड में नहीं आई है। अतरा बढ़िया अनोरा कक्ष मणियोड़ा है, एक ही बॉल अब तक कक्ष में नहीं लगी है। इसी के साथ घुमाया है और दो रन, एक ही रन से संतुष्ट। ओवर कंप्लीट। क्या लगता है आपको फाइनल कौन मारेगा? हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर गणेश चौधरी हैं। 21 रन स्कोर कार्ड पे, अभी भी 30 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, 6 गेंदे 30 रन, 5-6 only 5 sixes to win. Full toss ball, बहुत ही अच्छी, विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, चौका बचाया अपनी टीम के लिए। कमेंट्री बॉक्स के पास गणेश चौधरी यहाँ पे है, इनसे बात करते हैं। कैमरामैन थोड़ा फोकस करे इधर, हमारे इधर भी, इधर स्कोरर और कमेंटर भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा इधर भी फोकस किया करो कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन, एक ही जगह से पूरा लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, सुबह से मेहनत कर रहे हैं, एक ही जगह बैठे हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। हमारा गणेश चौधरी यहाँ पे खड़े हैं, बहुत ही अच्छा शॉट मारिए, कोई प्रयास नहीं फील्डर के द्वारा, गेंद सी मारेगा से बाहर, 4 रन। हमारे पास ये नैनाराम बंजारा यहाँ डेंडा से पधारे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है फाइनल कौन सी टीम मारेगी? मेरे को तो लगता है फाइनल ग्रीस भाई की टीम ही जीतेगी। इनका अनुमान लगाए हैं आशापुरा 11 गोरेगांव जीतेंगे। इसी के साथ ये शॉट मारा है, फील्डर को बॉल नहीं दिखती हुई, आगे फील्डर पीछे बॉल, ये पकड़ते हो 2 रन। बेहतरीन टूर्नामेंट राजस्थान प्रीमियर लीग, पहला टूर्नामेंट है राजस्थान प्रीमियर लीग की तरफ से। क्या घुमाया है इस बार, कोई कैच ड्रॉप, पता है इनको मैच हमारे हाथ में है, इसीलिए कैच ड्रॉप है तो अभी कोई टेंशन नहीं है, मैच ड्रॉप नहीं है भाई, मैच तो इनकी मुट्ठी में है, अभी कोई टेंशन नहीं है। 51 का टारगेट है, 3 बॉल में मेरे को लगता है 20 रन भी नहीं बनेगा अभी। 22 स्टेडियम के बाहर बॉल जाए तो 101 रुपए मेरी तरफ से, स्टेडियम के बाहर। कमेंट्री बॉक्स में बॉल आएगी तो 101 रुपए मेरी तरफ से। अगली बॉल ये घुमाया है और आसान कैच आउट, कमेंट्री बॉक्स की तरफ ट्राई किया था मगर बॉल ऊपर चढ़ गई। नेक्स्ट प्लेयर नेम, बैट्समैन नेम गोपाल। पंच ओवर झाली है, नेक्स्ट मैच
थैंक यू। इस मैच का मैन ऑफ द मैच मैच समाप्त सी के साथ अगले मैच के सभी फील्डिंग लगाए और मैच जल्दी से जल्दी शुरू करें, समय बहुत कम है, यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी होता है, चारों तरफ से मैदान के उधर झाड़ी है और लंबी लंबी बिल्डिंग है, इसके लिए अंधेरे बहुत जल्दी होता है। गणेश चौधरी ऊपर से आवाज आ रही है तुमको, विक्रम सिंह विक्सा मैन ऑफ द मैच, इस मैच का मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच विक्रम सिंह, इस मैच का कहा जाएगा विक्रम, आ जाओ मैन ऑफ द मैच रहेंगे। गणेश जी मैन ऑफ द मैच दीजिए, चलो फटाफट फील्डिंग लगा लो,